कौशाम्बी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध स्थली और अशोक स्तंभ स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को बैग बांटे और 5 बच्चों को खीर खिलाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा और स्वच्छता बहुत जरूरी है। देश के अंदर सबसे अधिक बच्चों को बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ाने का कार्य कर रहा है। 1,54,00,000 से अधिक बच्चे इस समय बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस बार ये संख्या 1,60,00,000 तक पहुंचेगी। इन सभी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, उनके जूते, उनके मोजे, उनके स्वेटर, ये सब दिलाने के साथ ही हमारा संकल्प है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को एनसीईआरटी की तर्ज पर आधुनिक शिक्षा दी जाए और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जिससे पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर भी हमारे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त और भारत की राष्ट्रीयता से जोड़ने वाली शिक्षा का अध्ययन कर सके। मुख्यमंत्री ने साथ ही दावा किया कि कौशाम्बी की धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए विशेष योजना बनाकर इसे बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम किया जाएगा। समग्र विकास की दृष्टि से आज मैं यहाँ पर कौशाम्बी जनपद में आया हूँ। इसको बौद्ध सर्किट के साथ जोड़ने, इसके समग्र विकास के साथ साथ देश और दुनिया के पर्यटकों को इस क्षेत्र के साथ जोड़ने, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर के एक विशेष कार्यक्रम के साथ हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर काशीराम गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद विकास कार्यों की समीक्षा भी की। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से शिवनंदन शाहू की रिपोर्ट।